ठीक है ना। हाँ हाँ जी चल रहा बैठ साठ हो वीडियो क्लियर है वही देख रहे हो उधर आगे पीछे हो इधर इधर में दिखा रहा हूं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंथली हाई प्लैंक पेजिंग मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। और आज सेगमेंट हमारा हैप्पी संडे, आपको जैसे कि कल रात बताया था कि कल आपको एक बड़ा शौक करवाएंगे, तो आज हम मौजूद हैं उस्ताद, बल्कि मैं कहूँगा कि मास्टर ऑफ द ब्रीडिंग उस्ताद मियां नज़ीर साहब मरहूम, उनके जो है कबूतर आज आपको दिखाएंगे। और हम मौजूद हैं उनके साहबजादे के साथ जनाब उस्ताद मियां अजीम साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और साथ साथ जी मियां इमरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये हमारी खुशनसीबी है कि दोनों इकट्ठे हैं यहाँ पे। आज हमें कुछ बातें भी बताएंगे, कुछ कबूतरों के बारे में भी बताएंगे। तो बहुत अरसे से हम जो है इस सिलसिले में आप लोगों से मिलना चाह रहे थे, क्योंकि आपके कबूतरों के बारे में बहुत सी डिमांड है हमारे पास, बड़े मैसेजेस थे कि जी आप कभी मियां नज़ीर साहब की छत पे उनका शौक नहीं करवाया आपने, तो आज हम बहरहाल इधर पहुंच गए। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि मियां नज़ीर साहब बताते ख़ुद तो एक ब्रीडिंग के हिसाब से तो बहुत बड़ा नाम रहा, और कबूतरबाजी में भी बड़ा नाम पहचान है, उनके नाम पर दफ़ इतनी बड़ी है पूरे पाकिस्तान में आपका नाम है, तो बताते ख़ुद वो कैसे इंसान थे घर में पर्सनली ज़ाती तौर से? माशाल्लाह उन जैसा बहुत कम लोग पैदा होते हैं, दरवेश आदमी थे, बहुत अच्छा। मैंने कहा अल्लाह हर एक को ऐसा बाप दे जैसे वो थे। बिल्कुल। तो इमरान भाई आप क्या कहेंगे, आप कुछ बताएंगे? मैं उस्ताद जी के लिए ये फिक्र हूँ कि मेरे जी रिश्ते में तो वो ताया जी थे,
मगर जब भी उनके पास बैठते थे ना तो वो यही कहते थे कि जब मैं बातें करता हूँ ना तो मेरी बातों से सीखा करो। कबूतरबाजी की जब भी बातें करते थे ना तो मेरी बातों में से आप सीखा करो कि कबूतर कैसे और किस तरह बनते हैं। और ये मैं नहीं, ये आपको उनके शागिर्द और जो दोस्त अहबाब भी हैं ना सब यही कहेंगे कि मियां साहब ने कभी भी किसी से कुछ छुपाया नहीं है। वो बातों बातों में सभी को बताते थे। समझने वाला, हाँ समझने वाला समझता है, बस यही है। बिल्कुल उन जैसा आदमी कभी नहीं। बिल्कुल सही। तो अच्छा अजीम भाई, अभी तक जितने भी आपके पास परिंदे हैं वो सारे उस्ताद मोहतरम वाले हैं या कुछ चेंजेस भी किए हैं? वही है सारा कुछ। हाँ, उसी तरह चलता उसी तरह ही है। तो माशाल्लाह रिजल्ट इमरान भी बहुत रहा है इनके कबूतरों का। और हर बंदे के पास डिमांड एक होती है कि यार जब तक छत पर मियाँ साहब वाला ब्लड नहीं होगा ना तो तब तक जो हमारी कबूतरबाजी कामयाब नहीं होगी। ऐसी क्या वो खासियत है जो और लोगों के पास नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो है ना, शुरू से आ रहे हैं दादा जी से, नस्ल दर नस्ल आ रहा है शौक भी विरासत में। और अच्छे कबूतर हैं, अच्छे तो परिंदे हर ही किसी के पास होते हैं, कोई होते हैं वो अच्छे हों आगे बेहतर से बेहतर होते जाते हैं किसी के पास, किसी के पास नहीं होते, ज़हन होता है ना। बिल्कुल सही। लेकिन मियाँ साहब के जो ज़हन की जहाँ तक मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जहाँ तक बात है, मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि एक कुदरती टैलेंट भी उनके पास बहुत। वो ना एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे शौक स्टार्ट हुआ बचपन से, जैसे मुझे तो ना नार का पता था ना मादी का, कोई दिखा दे वो अंदर छोड़ दे मुझे फिर भी नहीं पता चलना कि कौन सा था। सही। ऐसा ऐसा शौक स्टार्ट हुआ, एक कबूतर था हमारा डव वाला। सही। उसके साथ मैंने अपनी समझ से, जैसे मुझे पता ही नहीं था उस टाइम, मैंने दो तीन मादियाँ लगाई। जब मादियाँ लगाई ना तो उसने रिज़ल्ट ना दिया। मैंने अबू को कहा कि ये रिज़ल्ट नहीं दे रहा, इसे खाली कर दूँ और कोई लगा ले जोड़ा। उन्होंने कहा नहीं अब मैं दूंगा, इंशाल्लाह नस्ल इसकी होगी कि दुनिया नाम लेगी कि ये कोई जोड़ा है। अच्छा। फिर उन्होंने मादी मुझे दी टैडी, वो मैंने उसके साथ लगा दी। जब लगाई तो उन्होंने कहा ऐसा पाकिस्तान में जोड़ा नहीं होगा। अच्छा। फिर उसकी तरह से लाल तूफान ये जो बने तीसरी दुनिया जी जी, उधर से फिर स्टार्ट हुई ये लाल तूफान और तीसरी दुनिया जाएगी, वहाँ से स्टार्ट हुई। हाँ, लेकिन ये आपकी कबूतरबाजी की पहली सीढ़ी सीढ़ी थी। उन्होंने कहा था ये मादी लगा दो और ऐसा दुनिया में कम जुड़ा होगा। और कामरान भाई, ये जो तीसरी दुनिया जो बनाई है ना, ये खालसन मियाँ साहब ने जो डब वाले बनाए थे ना, ये उन्हीं की ईजाद की हुई है। और ये लाल तूफान इन पे पड़ा, इनका नाम पड़ा, फिर आगे से जैसे का जैसे चलता रहा। ये लाल परी जो है ये भी इनमें से ही है, वो क्या चीज़ है? नहीं, वो लाल परी जो है ना वो भी डब वाला, डब वाला और टैडी है। अच्छा, वो हमारे ही डब वाले हैं, हमारी टैडी है, उनकी क्रॉस, उनके क्रॉस से लाल परी बने हैं। ठीक हो गया। तो लाल परी भी वो प्रॉपर अलहदा ब्रीड है या किसी एक का नाम लाल परी? सबसे पहले ये मेरे बड़े बड़े भाई चेयरमैन इम्तियाज साहब हैं जी जी, उनकी छत पे उड़ी थी, उन्होंने नाम रखा था ये लाल परी। ठोकर न्याज पे छत भी ये वो, आज से कोई 25-30 साल पहले की बात होगी कम से कम। ठीक है, अंदाज़ा ही है मेरा। बिल्कुल, मतलब बानी नज़ीर पार्टी के और बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह उनकी तरफ उड़ी थी ये, उन्होंने नाम रखा था लाल परी। तो ऐसे ये लाल परी नाम पड़ गया। ये बेसिकल नस्ल ये है टैडी और डव वाला क्रॉस में से बन गए। ठीक हो गया। अच्छा, कोई ये बात इमरान भाई आपको या अजीम भाई पता है कि मियाँ साहब ने जो पहली ब्रीड बनाई वो कौन सी? मियाँ साहब बताएंगे आपको। ना पहली ब्रीड ये ऐसे ही है ना, ये किसी कामरान भाई ये किसी के घर के नहीं, कई पौधा है हमारा शुरू से ही लगा है, किसी ना किसी दोस्त से कहीं ना कहीं आते ही हैं जानवर। हाँ वो तो ये तो ही झूठ के हमारे ही हैं, हमें भी कहीं से आई हैं, गिफ्ट आए हैं या जैसे भी है। ये सबसे पहले दादाजी को शौक था, फिर उसके बाद वालद साहब को आया, तो उन्होंने ये सबसे पहले ये लाल आंखों के हो गए, टैडी हो गए, डब वाले वो वैसे ही रूटीन बाय रूटीन चले आ रहे हैं, नस्ल बनती आ रही है। सही सही सही। तो यानी कि ये इकट्ठी चलती है, इकट्ठी चली है तीनों चार ही नस्ल ना, गोल्डन डब वाले टैडी ये इकट्ठी आगे से फिर बनते गए नाम इनके। अच्छा, तो जी इस वक्त हमें तकरीबन 215 लोग देख रहे हैं।
और अजीम भाई से बातचीत भी साथ साथ चलती रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं शौक से, क्योंकि लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आगे अंधेरा भी हो जाएगा। हम शौक भी करते जाएंगे, कबूतरों की हिस्ट्री भी साथ साथ देखते जाएंगे। तो अगर वो भाई मौजूद हों तो वो ज़रा शौक हमें साथ साथ करवाते जाएँ। और आज अजीम भाई से हम जो है इनके जो बेसिक कबूतर हैं ना वो देखेंगे भी, और इनसे पूछेंगे भी उनके बारे में, उनकी क्वालिटीज़ भी पूछेंगे, उनकी निशानियाँ भी पूछेंगे। क्योंकि अक्सर जगह पे हमें ये शिकायत मिलती हैं जो लोगों की तरफ से हमें मैसेंजर पे ना अजीम भाई मैसेज आते हैं या कॉल्स आती हैं, वो कहते हैं जी मियाँ साहब वाले कबूतरों की असलियत जो है हमें आपने बतानी है कि उनकी जो असल निशानियाँ हैं। उसकी वजह यह है कि हम कहीं से जाते हैं, कोई कहता है जी ये मियाँ साहब वाला है, तो इस चक्कर में कोई बंदा पैसे ज़ाया कर आता है, वो बाद में दूसरा बंदा उसके घर जाता है, वो कहता है यार गलत हो गया, ये तो मियाँ साहब वाला है ही नहीं, तेनू उन्हें गलत देता है। जिसने ये देखी है ना कोई दो चार छः दफ़ा और अकल है, वो सौ में से पहचान लेगा एक भी होगा ये मियाँ साहब। तो आज हमने वही जरा लोगों को बताना है कि मियाँ साहब वाले कबूतर कौन से उधर चले जाते हैं, दिखाते हैं, तो वही फिर लोग अपने दिमाग में एक स्केच बना लें, अगर तो वो उनके पास हैं तो समझ लें कि ये मियाँ साहब वाले हैं। बिल्कुल सही होगा, उनको बंद कर दिया। बट साहब आपकी जो है हमें थोड़ी सी खिदमत चाहिए होगी, तो आप ये पकड़ लें। अंदर आ जाए, ठीक हो गए। नुमान कैमरा ले आया, ऊपर ही रखो उसको, ये जमीन पे। लेकिन हम आज मंत्री आइफलाइन पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में हमारी ये खुशनसीबी है कि एडी फिंगरों के अंदर भी आज हम आपको शौक करवाएंगे, और हम इस बात को जो है आज अपनी कामयाबी कहेंगे कि ये हमारी कामयाबी है कि आज उस्ताद मियां नज़ीर साहब के खुडों में हम शौक कर रहे हैं, जो लोगों का ख्वाब होता है। कासिम भाई आप भी आ गए, मतलब तो तभी आएगा ना कासिम भाई, स्पेशल ना, क्योंकि जी आए जी आए। कासिम भाई के होते हुए तो अच्छा, तो ये अजीम भाई टैडी है जी, ये टैडी है टैडी, असल टैडी कबूतर। अच्छा ये सिर्फ टैडी जिसको कहेंगे आप? हाँ जी। ले जी ये पहले तो आप इसका रंग देखें, ये देखें, ये टैडी कबूतर है उस्ताद मियां नज़ीर साहब वाले। क्लियर है जी, आवाज़ और तस्वीर बताइएगा साथ साथ, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेहनत रहेगा ना जाए आज हमारी। ये लें जी इसका पर देखें। अच्छा ये देखें जी, नुमान साहब आपको क्लियर है? हाँ ये देखें माशाल्लाह, यादगार क्लिप मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में उस्ताद मियां अजीम साहब और उस्ताद मियां इमरान साहब के साथ हम आपको दिखा रहे हैं उस्ताद मियां नज़ीर साहब वाले कबूतर। उमर मलिक भी साथ हैं, राजा सदात साहब भी देख रहे हैं, डॉक्टर जायद साहब भी देख रहे हैं, उस्ताद इमरान अमरीका वाले भी देख रहे हैं। एदा मतलब है मियां नज़ीर पार्टी भी चौकस हुई है आज। ये सला रहे हैं जी? हाँ जी जी, ये टैडी सला रहे हैं जी। ठीक है जी, ये देखें जी माशाल्लाह, और ये अपनी प्योरिटी में है सारे? बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, ये जो भी आपको दिखा रहे हैं ना जी, प्योरिटी में है सभी। ठीक हो गया, इनमें किसी किस्म का कोई भी नहीं है, मेल शेल कुछ भी नहीं है, असल आदत में हुई है। अच्छा इनको अजीम भाई मेंटेन करने के लिए, ऑब्वियसली अब उस्ताद मोहतरम तो इस वक्त नहीं मौजूद हमारे साथ, तो इनको मेंटेन करने के लिए आप खुद से ही करते हैं या मशवरा आपस में कजन वगैरह ये लोग सब मिलके आपको बताते हैं, या चेयरमैन साहब वगैरह रहता है 19-20 हजार किसी से? बिल्कुल, जो भी दोस्त अच्छा है उससे मशवरा तो होता रहता है। बिल्कुल ठीक। ये भी टैडी? हाँ जी। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। मंत्री आई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में टैडी कबूतर आपको दिखा रहे हैं उस्ताद मियां नज़ीर साहब के ख़ास कबूतर, और बहुत शुक्रगुजार हैं उस्ताद मियां अजीम साहब के, और उनके साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं जनाब उस्ताद मियां इमरान साहब के कि आज वो हमारे साथ इस शौक में शाना बशाना और साथ ही आपको शौक करवा रहे हैं, और स्पेशली कासिम भाई के भी शुक्रगुजार हैं कि जिनकी वजह से, जिनके तवस्सुत से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। उन अजीम भाई तो हमें टाइम नहीं दे रहे थे बड़े दिनों से।
ये जी माशाल्लाह। नहीं जी भाट साहब देख रहे हैं कसूरी कबूतर। मियां साहब को सलाम दें जी। मियां साहब आपको सलाम कह रहे हैं जी। वालेकुम सलाम। मेरा भी सब देखने वालों को सलाम। मियां अजीम साहब की तरफ से भी आप लोगों को सलाम जी। और यादगार क्लिप है आज, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कबूतर पसंद आएंगे। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। देखें जी अच्छा, तो ये सारा जो इनके बॉडी स्ट्रक्चर सबके सेम ही नजर आ रहे हैं तकरीबन। सबसे पहले ये बॉडी जिसम बनावट कबूतर प्रवाद ही करता है जब बनावट में पूरा होगा। बिल्कुल सही, बनावट उसकी हो। बिल्कुल सही, तो इसको मेंटेन रखना बहुत बड़ा काम होता है। हाँ जी, बहुत मुश्किल काम है। जिसे पता है उसके लिए आसान है, जिसे नहीं पता उसके लिए ये सबसे मुश्किल काम है। ये देखिए, अच्छा ये सारे जो टैडी कबूतर कहलाते हैं, ये जितने भी हैं ये टैडी है। ओ भाई, ये देखें जी नुमान साहब, क्लियर होना चाहिए आपको। मोबाइल नंबर सर इस तरह तो हम नहीं यहाँ पे आपको दे सकते, क्योंकि अजीम भाई ने रात को सोना भी होता है, तो अगर हमने नंबर इस तरह बोल दिया तो फिर तो फोन ही खड़कता रहेगा। हाँ, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा हमारे साथ, तो हम फिर आपको जो है उसको पर्सनली जब मैसेज करेंगे तो आपको हम नंबर दे देंगे अजीम भाई का। ठीक हो गया ना? ठीक है ना अजीम भाई? ठीक है। ये देखें जी, ये बहुत ही खूबसूरत एक परिंदा इस वक्त जो आपके सामने। डॉक्टर जाहिद साहब ये लें जी, ये लें क्लोजअप ले लें। ये देखें जी, अच्छा कसूर में जितने भी कबूतर इमरान भाई और अजीम भाई दोनों ही हमारे साथ मौजूद, ये हमेशा से ही इसी बॉडी के कबूतर थे या इनको मियां साहब ने इस तरह से चेंज किया? ये जो टैडी थे ना, इसकी धूम भी इनकी बहुत ज्यादा लंबी। आ जाइए आप इधर, आ जाइए मेरे पास आ जाइए। इनकी धूम ज्यादा लंबी थी बहुत। ठीक हो गया, कम से कम कोई दो दो तीन तीन पोटे लंबी थी दूंगी इनकी। इनको ऐसा ऐसा मेंटेन किया फिर ये बनावट में पूरे आए हैं। अच्छा। इनको तो पहले कोई देखता नहीं था, टैडी आ गया वो दड़वी में जाता था, जो पकड़ लेते थे टैडी वो कहते थे इसे नहीं रखना, ये दे दो, ये नहीं ठीक, वो बनावट ही नहीं ठीक। मियां साहब ने फिर इनको सेट किया, मेंटेन फिर उन्होंने किया। नहीं जी, ये देखें जी, ये मेंटेन हुए ये कबूतर जो है उस्ताद मियां नज़ीर साहब के जो ख़ास कबूतर हैं सारे, वो कबूतर आपको दिखा रहे हैं मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में आपके साथ। हैप्पी संडे। अच्छा इनके नाम भी कुछ बताए ना, जो लोग जो पूछते हैं। टैडी सलारे नाम तो कोई भी रख लें। नहीं, जो लोग जो आपके उड़े हुए कबूतर जिनके नाम थे ये उन बीज में कौन कौन से कहलाएंगे? ये कमगर, ये कमगर आ गए ना। ये देखिए
2002 में आपने मियां साहब वाले कबूतर देखे हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। दो हजार दो वाले कबूतर आपको दिखाए फिर। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, इनकी आंखें देखें, इनके रिंग। बट साहब ठीक है जी, अच्छा मियां साहब एक बात बताइएगा। हाँ, कि ये प्योर भी इसी तरह इन्हीं आंखों में और लाल आंखों में प्योर भी उड़ते हैं कि इनको क्रॉस देना लाजमी है? उड़ते हैं, प्योर भी उड़ते हैं। अच्छा, लेकिन ज्यादा है ना प्योर कम उड़ाते हैं, जाया हो जाता है। जब भी उड़ाएंगे कोई भी जानवर होगा उसने जाना तो है ही, सही। प्योर उड़ा देंगे फिर जाया होगा, फिर टेंशन असल चला गया। हाँ, इसलिए मिलावट में होता है टैडी क्रॉस में। सही, सही, सही। जब भी कामरान भाई उड़ाती है ना तो फिर जब उड़ाने वाली छत पे छोड़ते हैं तो फिर तो क्रॉस में छोड़ते हैं। तो जब किसी को असल या जैसे उस्ताद जी के सारे शुगिर्द हैं तो उन्हीं के पास तो फिर असल भी सारे चले जाते हैं इधर से सभी के पास। ठीक हो, मकसद ये है कि क्रॉस देने का कि किसी के पास ये ओरिजिनल ना जाए, इसी वजह से क्रॉस दिया जाता है। यही बात है। तो क्रॉस का ये मकसद नहीं है कि जी क्रॉस से ज्यादा अच्छे उड़ते हैं लोगों के। उड़ते भी हैं, अच्छे भी उड़ते हैं, लेकिन मेन मकसद तो वही था ना। मेन मकसद तो यही था कि यार प्योर ना किसी के पास प्योरिटी में चीज ना आ जाए। अब यही है कि अगर सारे प्योर बनाएंगे तो फिर उड़ाने में क्या छोड़ेंगे। हाँ, अब वो ट्रेंड हो गया ना लोगों का, लोग कहते हैं लो जी कबूतर नहीं उड़ते क्रॉस ला दो। अगर किसी से दड़वी में पकड़ के क्रॉस लगा दे तो फिर तो नहीं ना उड़ेंगे भाई, यही तो बात है ना। हाँ जी, क्रॉस भी अच्छा ही होगा फिर ही उड़ेगा। बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल। क्रॉस बुरा दे दे, कहें क्रॉस है ये उड़ेगा, बिल्कुल। दो सुपर पावरों में से एक सुपर पावर ही निकलनी है। अच्छा भाई जान, गलती होगी सर, सर गलती होगी, बैठ गया। यही बताया ना, बस ये बैठते ही नहीं। ये देखें जी, ये माशाल्लाह मादी है जी, फीमेल है। ये देखें जी, ये बहुत ही शानदार कबूतर मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में। हैप्पी संडे आपके साथ, कामरान अब्बास आपका दोस्त, आपका होस्ट। कासिम भाई को आपके कबूतर बहुत पसंद है जी। कासिम भाई बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल है, कासिम भाई खुद भी बहुत प्यार वाले हैं। ये डब वाले, ये डब वाले हैं जी। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, ये डब वाले हैं जी? हाँ जी, डब वाले। आप देख लें जी सारे, ये मियां साहब वाले डब वाले कबूतर हैं। काजिम भाई फोन पे जरा चेक करते रहिएगा साथ साथ रिजल्ट। ये देखें जी, आगे है लाइट जरा कम होगी, यहाँ ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही आला। यहाँ पतंगबाजी चल रही है जी? इधर कभी रुकी नहीं, इधर नहीं रुकी कभी। अच्छा हाँ जी, हर संडे के संडे। ये तो आज तो थोड़ी है, आज तो कम है, नहीं तो इधर डेथ लगे होते हैं इस टाइम। बसंत होती है संडे के, कलर ठीक है बिल्कुल। ये देखें जी, ये डब वाले कबूतर है, पर नहीं वो बैठेगा। चले ये भी डब वाले जी? हाँ जी। ये भी डब वाले, अच्छा वो जो बिल्कुल स्याह स्याह कबूतर है आपके कुछ शागिर्दों के पास, वो नहीं हमारे पास है, हमारे पास यही रंग, ये है रंग, हरे रंग में वो। हाँ, वो बिल्कुल वो, जो वो काले स्याह वो नहीं, पसंद ही नहीं।
कमरे में लोगों का ना कंसर्व है कि सारे वो जो काले में होते हैं ना बस वही डब वाले हैं बन गए ना अब जिसके पास जाओ वो कहते हैं जी हम किसके शागिर्द हैं जी मियां साहब के और फलाना किसके शागिर्द है जी फलाने मियां साहब का जी जी कबूतर स्याह स्याह कबूतर है उनके पास सारे ऊपर से और चलें आज की आंखों में दुनिया को बता दें कि ये डब वाले मैंने इसलिए मैंने दो दफा कहा मैं कि ये डब वाले हैं कि ऐसे ही है ना सिंपल मैंने इसलिए आज दिखा दें सभी को कि ये डब वाले हैं ये देखें उधर चले उधर में ना दिखाते हैं चलें जी चलें उधर चलें ये क्या दिखा देते हैं सेंट्रल है अच्छा तो अनु भी नाग पसंद नहीं है ना ये कैमरन भी आपका जो जिसका नाम रखा हुआ है आपने बटिस्टा बटिस्टा उसकी वो बटिस्टा इनके पास भी कासिम भाई अच्छा जी हां जी कासिम भाई हाथ रख दें दुखती रग पे चाय पी आज हम बाहर जाएं नहीं जी अभी जरा हम चाय का वक्फा कर रहे हैं और इसके बाद हम दोबारा से आएंगे उस्ताद मियां अजीम साहब और उस्ताद मियां इमरान साहब हमारे साथ हैं शौक करवाएंगे उस्ताद मियां नजीर साहब के कुछ कबूतर नजीर जो रहते हैं उनका दूसरी साइड पर उस वक्त तक हमारे साथ भी हैं